क्या विपक्षी एकता को एक सूत्र में पिरोने की कवायद करने वाले सीएम नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस में संयोजक पद की जिम्मेदारी मिलने वाली है? क्या अब नीतीश कुमार ही इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने वाले हैं? सवाल बड़ा है, लेकिन जेडीयू ने जो दावा किया है उसके मुताबिक नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की पूरी तैयारी की गई है। इंडिया के सूत्रधार को मिलेगी जिम्मेदारी, इंडिया के संयोजक पद सौंपने की है तैयारी। नीतीश की नाराजगी पर डैमेज कंट्रोल की बात। विपक्षी इंडी अलायंस एक संयोजक की बात उठती रही है। दिल्ली में हुई गठबंधन की चौथी बैठक से पहले भी शिवसेना ने एक संयोजक की जरूरत पर जोर देते हुए कहा था कि रथ तैयार है, घोड़े तैयार हैं, लेकिन सारथी कौन है? हालांकि इसके बाद इंडिया गठबंधन की ओर से पीएम उम्मीदवार के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव किया गया, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े होने लगे। नीतीश की नाराजगी की बात भी सामने आई, लेकिन अब बिहार में महागठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब गठबंधन की गाड़ी संयोजक चुनने की दिशा की तरफ बढ़ती दिख रही है। जेडीयू के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी दलों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर गठबंधन में विचार चल रहा है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल घटक दलों के प्रमुख नेता नीतीश के साथ जल्द ही बातचीत कर सकते हैं। जेडीयू की माने तो सीएम नीतीश के साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग जल्द हो सकती है। आप जानते हैं, आप प्रदेश जानता है कि ये लोग नौटंकीबाज है, जुमलेबाज है, लोग झूठा है, कोई देश के काम से कोई लेना देना नहीं। इस बार 24 में जनता जवाब देगी। हमारे नेता का नेतृत्व जो मिलने जा रहा है, निश्चित तौर पर ये आगाज हो चुका है, मुझे जानकारी हो चुकी है। इसी के तरह वो हमेशा पहले भी नाटक करते रहे, आज भी उन लोग नाटक कर रहा है। हालांकि जेडीयू के दावे पर सियासत ने भी जोर पकड़ लिया है, बीजेपी ने इस पर तंज कसा है। ये लालू यादव का मकर जाल है, ये मकर जाल है लालू यादव का। वो मकर जाल में नीतीश को फंसा करके रखना चाहते हैं। पहला उनका प्रयोग है कि किसी ढंग से इसको संयोजक बना दें जो हमारे गठबंधन में रहे और बेटा को मुख्यमंत्री बना दे, यही मकर जाल है। 9 महीना में बेटी औलाद को जन्म देती है, और कोई 10 महीना में देता है तो पूछता है कि बच्चा क्या होगा, विकलांग होगा, क्या होगा, पता नहीं भाई। तो ये लोग इतने दिनों से कह रहे हैं ये अब बनने वाले हैं, अब बनने वाले हैं, इनका अध्यक्ष भी नाम नहीं लेने वाले थे, नहीं लिए कोई, अब कह रहे हैं बन रहे हैं, तो देखते रहिए आगे क्या होता है। बीजेपी के तंज पर आरजेडी ने जवाब दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि आरजेडी की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बीजेपी को उसकी हैसियत दिखाने में कटी है। अब बीजेपी ईडी और सीबीआई के जरिए उलझाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के संकीर्ण विचार, उनके ध्रुवीकरण की राजनीति, उनका मनोवाद के साथ नैसर्गिक संबंध, उसके खिलाफ लड़ता रहा। हमने कभी तराजू पे तौल के लाभ हानि के आधार पर अपनी राजनीति नहीं की कि तराजू में जो पल रहा हमें दिखा पड़े भारी उधर चले। देखिए, अभी हमारे पास इसके आधिकारिक पुष्टि करने के लिए कोई ऐसा चीज़ नहीं आया है कि मैं कंफर्म करूं इस बात को, लेकिन देखिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो शुरू से इंडिया गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, और अगर इसके बाद उनको कोई जिम्मेदारी मिलती है तो मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है खुश होगी और देश की जनता भी खुश होगी, और खास करके बिहार की जनता बहुत खुश होगी। तो कांग्रेस का भी कहना है कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार रहे हैं, आने वाले वक्त में गठबंधन एक बड़ा फैसला लेने वाला है। इंडिया गठबंधन संपूर्ण भारत में इंटैक्ट है। जो 28 दल एक प्लेटफॉर्म पे आए, सबकी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी को परास्त करें, और नीतीश कुमार जी तो इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की तैयारी है, या फिर ये दावा हवा हवाई है? क्योंकि नीतीश के नाम को लेकर तो लालू यादव ने भी चुप्पी साध ली थी, फिर कहीं ये डैमेज कंट्रोल की तैयारी तो नहीं है। रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।
क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश होंगे, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है और इससे पहले भी उन्हें 3 बार समन भेजा जा चुका है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। इससे पहले उन्हें 2 नवंबर को पहली बार